आज आईपीएल में आरसीबी के होम ग्राउंड एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया, जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद ने इतिहास रच दिया है। हैदराबाद ने अभी कुछ दिन पहले ही आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन हैदराबाद ने आज अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर दोबारा से नया कीर्तिमान रच दिया है। बेंगलोर के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवरों में बोर्ड पर 287 रन जड़ डाले, जो कि आईपीएल इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी टीम 20 ओवरों में 287 रन बना पाई है। हैदराबाद के बल्लेबाजों की बात करें तो हैदराबाद की शुरुआत काफी ताबड़तोड़ रही। ट्रेविस हेड ने 41 गेंदों में 102 रन जड़ डाले, जहां उन्होंने 9 चौके और 8 छक्के जड़े। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे हेनरी क्लासेन, जो कि ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने 31 गेंदों में 67 रन जड़ डाले, जहां पर मात्र 2 चौके और 7 छक्के लगाए हैं। उसके बाद जब आखिर ओवर में मैच को फिनिश करने की बारी आई, तो वहां पर एडन मार्करम 17 गेंदों में 32 रन और अब्दुल समद ने 10 गेंदों में 37 रन का अहम योगदान दिया और टीम को पहाड़ जैसे टोटल तक पहुंचा दिया। इससे पहले हैदराबाद ने इसी सीजन में 277 हाईएस्ट स्कोर बनाया था, लेकिन आज हैदराबाद ने अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़कर आज एक और इतिहास रच दिया है, जहां उन्होंने 20 ओवरों में 287 रन बोर्ड पर लगा दिए हैं।